नमस्ते, मैं हूं आपकी सहेली संगीता डेजी। आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये क्या मैं दिखाने जा रही हूं, ये कुछ समथिंग सा इंटरेस्टिंग सा गोल गोल सा क्या है। अभी मैं आपको इसका सस्पेंस खोलती हूं। ये रहा, अरे सस्पेंस क्या, इसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये लॉरियल की फाउंडेशन है। ओ सस्पेंस तो रहा ही नहीं है। चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ कैसी फाउंडेशन है। खुल जा, सिम। देखा, इतनी सारी फाउंडेशंस। भाई ये फाउंडेशन मैंने नहीं खरीदी है, ये फाउंडेशन मेरे को कंपनी ने भेजी है कि मैं इन फाउंडेशंस के बारे में आपको अपनी वीडियो के जरिए बताऊं कि ये किस तरह की फाउंडेशंस हैं। हाँ भाई, पैसा मैंने कोई नहीं लिया इसके आपको बताने का। मुझे लॉरियल के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने मतलब इनको ये बॉक्स एक्सेप्ट किया कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, तो कोई बुराई नहीं है बताने में। अब देखो, वैसे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मैरिज सीजन आ रहा है, आप लोग अपने लिए एक अच्छा सा अगर ये फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आपकी सर्च यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो आइए मैं आपको बताऊं इस फाउंडेशंस के बारे में, किस तरह की हैं ये फाउंडेशंस। आप देख रहे हो अलग अलग कलर्स, तो आइडिया तो लग गया आपको कि ये जो कलर्स हैं ये स्किन टोन के हिसाब से दिए गए हैं कि कैसे कैसे टोन है इनका। एक नंबर से शुरू होता है फाउंडेशन, 8 नंबर तक है, यानी कि 8 शेड्स हैं स्किन टोन के हिसाब से। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड पिक कर सकते हैं। और एक, चलिए एक हम निकाल लेते हैं फाउंडेशन। ये पीछे जो है इस फाउंडेशन के सब कुछ लिखा हुआ है कि ये फाउंडेशन में क्या क्या खासियत है। ये जो फाउंडेशन है डेली रूटीन में आप लगा सकते हो क्योंकि लाइट वेट है। आपको इसको अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने अपने फेस के ऊपर लगाया हुआ है कुछ, जैसे इसमें लिखा हुआ नहीं एयर लाइट, मतलब ये आपका बिल्कुल लाइट टेक्सचर में है यह फाउंडेशन। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि जो हम जो मेकअप करें हमारा वो लॉन्ग स्टे करे। तो भैया इसका नाम ही 24 आवर स्टे है, तो आप 24 आवर, तो वैसे हमें क्या करना होता है हमारा, अगर 24 आवर लिखा हुआ तो 6-7 घंटे तो ये आपका निकाल ही देगा मेकअप, इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं होती है। तो ये आपका लॉन्ग स्टे है। उसकी टेक्सचर की बात करें तो ये ऑल टाइप ऑफ स्किन पे जाएगा आपका। इसका जो है ये मैट फिनिश है, ऑयली स्किन के लिए तो ये दी बेस्ट है, लेकिन ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको इसको लगाने से पहले मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। वैसे मॉइस्चराइजर तो देखो हर फेस को करना पड़ता है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन वाली स्किन हो। ड्राई स्किन वाले वो थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइज कर लेंगे और लगा सकते हैं। और इसमें बाकी आपको कवरेज भी मैंने बता दिया, मीडियम कवरेज है। तो लॉन्ग स्टे के लिए और डेली रूटीन में तो मीडियम कवरेज ही ज्यादा बेस्ट होता है, और हैवी कवरेज तो फिर वो हैवी मेकअप ब्राइडल्स वगैरह में ही जाती है हैवी कवरेज। और लाइट अगर वेट होती है तो वो बहुत कम स्टे करता है, तो ये मीडियम कवरेज है, तो आपके हल्के फुल्के जो दाग धब्बे हैं वो भी इससे हाइड हो जाएंगे। बहुत ज्यादा अगर ब्लेमिशेस वगैरह हैं वो तो नहीं हाइड होंगे, उसके ऊपर तो आपको फिर वो अपना जो करेक्टर वगैरह होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे। उसकी डिटेल में और वीडियोज हैं चैनल पर, आप देख सकते हो। और बाकी और क्या चाहिए, यही तो चाहिए होता है ना मेकअप में कि लाइट वेट हो, कवरेज अच्छी हो, लॉन्ग स्टे हो और इजिली ब्लेंडेबल हो। और ये आपका बहुत जल्दी स्किन के साथ ब्लेंड होने वाला है, फटाफट से ब्लेंड हो जाएगा। और अगर रेट की बात कर लेते हैं, रेट कितने का पड़ेगा भाई इसका, ये आपका जो MRP है इसमें 750 रुपीज MRP है, तो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है ये। आप एक बार ले लोगे तो काफी टाइम आपका चलने वाला है। और आप जिस शॉप से लेते हो वो आपको कितना डिस्काउंट देता है उसके ऊपर, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसके ऊपर जो MRP है वो आपका 750 है, तो इकोनॉमिकल भी रहा। और भाई लॉरियल का ब्रांड है तो क्वालिटी इशू तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्वालिटी तो उसकी दी बेस्ट हो ही। मैंने बहुत लॉरियल के प्रोडक्ट यूज किए हैं। इससे पहले मुझे इनका लिप शेड्स का भी एक पैक आया था, उसका वीडियो भी मैंने डाला था, और वो मुझे यूज करते हुए काफी टाइम हो गया लिपस्टिक्स को,
वो लिप शेड्स बहुत ही अच्छे हैं। यदि आपको वो परचेज करने हैं, उनके बारे में भी देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। अमेजोन पे अगर होंगे तो उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर देना, औरों के साथ भी आप इसको शेयर करना। भाई फेस्टिवल सीजन है, सभी को चाहिए फाउंडेशंस। आपको कैसी लगी फाउंडेशन नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।